नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी। किसानों का प्रदेश सरकार पर गुस्से का फायदा उठाते हुए कांग्रेसी अपनी भड़ा सरकार पर निकाल रहे हैं। मुरैना पहुंचे विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह ने किसान आंदोलन को हवा देते हुए विमृतक किसान के घर पहुंचे और किसान की मौत पर शोक जताते हुए परिवार को सांत्वना दी, साथ ही हर संभव मदद पहुँचाने का भरोसा दिलाया। मध्य प्रदेश में किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है, तो वहीं राजनीतिक पार्टियां किसानों को सांत्वना देकर उनके जख्मों पर मरहम लगाने का प्रयास कर रही है। अन्नदाताओं के दर्द को बांटने वाली विपक्षी पार्टियां भाजपा को घेरने का प्रयास कर रही है। वहीं कांग्रेस को मजबूत करने और किसानों का समर्थन लेने के लिए कांग्रेस विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह मुरैना में मृतक किसान के घर पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया, जिसके बाद कांग्रेस कार्यालय पर पत्रकार वार्ता की गई, जिसमें प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने आप को किसान पुत्र कहते हैं, तो वे ये बताएं कि किसान क्यों आए दिन आत्महत्या कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि चंबल क्षेत्र में सरसों की पैदावार सबसे अधिक होती है, फिर भी सरसों की खरीद समर्थन मूल्य पर क्यों नहीं की जा रही है। अगर सरकार किसानों के हित में सोचती तो किसान यूं आत्महत्या नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और माननीय मुख्यमंत्री का सत्ता के मद में मदान धोने के बाद मदान धो चुके हैं जो लोग, और सत्ता के मद उन पर इतना चढ़ा हुआ है कि वो बोरा गए अंडसंट बोलने का काम हो रहा है। शिवराज सिंह जी ने पहले कहा मुख्यमंत्री जी ने कि किसान आंदोलन में असामाजिक तत्व थे, किसान नहीं मरे, असामाजिक तत्वों की हत्या गोली लगे मरे हुए। फिर कुछ दिन बाद बोले कि आंदोलन को कांग्रेस के नेताओं ने भड़काया है, कांग्रेस लोगों ने इस आंदोलन को गद दिया, कांग्रेस ही आंदोलन करा रहे थे, उन्होंने हिंसा फैलाई, सत्ता के मद में अंत अल बल बगने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक ने जानकारी देते हुए कहा कि अगर कांग्रेस की प्रदेश में सरकार बनती है तो किसानों को हर संभव मदद पहुँचाई जाएगी। कांग्रेस किसानों का समर्थन मूल्य लेने के लिए 10 जुलाई को किसान सभा का आयोजन करने जा रही है, जिसमें प्रदेश के सभी कांग्रेस नेता शामिल हो सकते हैं। मुरैना से गजेंद्र तोमर की रिपोर्ट, न्यूज आज। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज आज।